मैं हुसैन सुल्तान, रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम कौसा के एमएम वली मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम के कोविड सेंटर में है, जहां पर आज जिस तरीके से 5 अगस्त को डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के जन्मदिन के अवसर पर एनसीपी की ओर से यहां पे अलग अलग तरीके की जो प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, वहीं पर कॉरपोरेटर हफीज़ा नसरुद्दीन नाइक ने आज यहाँ पे कोविड सेंटर के जो डॉक्टर्स है, उनकी टीम है, जो सफाई कर्मचारी है, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पे आई और उनको यहाँ पे उन्होंने सत्कार किया। जिस तरीके से डॉक्टर की टीम पूरे देश में आज काम कर रही, वहीं कोरोना कोविड सेंटर में भी जो डॉक्टर दिन रात काम कर रहे हैं, लगातार पहले दूसरी और तीसरी लहर जिस तरीके से कोरोना की चल रही उसको देखते हुए यहाँ पे 24 घंटे डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल है और जिस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है उसकी यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र में इसकी चर्चा है। इसी ताल्लुक से लेकर आज अलग अलग प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, वहीं पे हफीज़ा नाइक ने यहाँ पे डॉक्टरों की हौसला अफजाई की और उनको यहाँ पे एक गेट टुगेदर किया गया था। आज जाइए आइए इसी ताल्लुक से यहाँ के जो जिम्मेदार है, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मुमताज शाह, उनसे जानते हैं इस मामले को लेकर आज जो उनका जो सत्कार किया गया डॉक्टर्स का। वहीं पे जो नेहा नाइक है उनसे भी जानते हैं कि इस मौके पर उनका क्या कहना है। सबसे पहले तो मैं मोहतरम जनाब जितेंद्र अवार्ड साहब को उनके जन्मदिन की बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज मैंने देखा कि शहर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम हुए और बहुत सारे प्रोग्राम हुए, बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए। खासकर जो चीज़ें होती थी, लोगों ने अवार्ड साहब ने मना किया था केक वगैरह काटने की, लेकिन शहर के अंदर बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। मैं उन तमाम प्रोग्राम करने वालों को बहुत मुबारकबाद देता हूं और ये बहुत खुशी हो रही है कि हमारी बहुत सीनियर जो है कॉरपोरेटर हफीज़ा भाभी जो है, आज कोरोना काल में आप देख रहे हो कि ये महाडा का हॉस्पिटल मोहतरम जनाब जितेंद्र अवार्ड साहब ने ये बनाया है। इसके अंदर हमारे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, जो थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से जुड़े हुए हमारे साथी हैं, जो हमारे पीसी है ये देखिए यहाँ मौजूद है, जो पेशेंट को केयर करते हैं, हमारी डॉक्टर्स की टीम है, और ख़ासकर बताना चाहता हूँ कि हमारे डॉक्टर्स की पूरी टीम है, इनकी हौसला अफजाई करने के लिए ये लोग आते रहते हैं, लेकिन आज अवार्ड साहब के जन्मदिन पर इनको मिलने के लिए आए हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में आज आप देख रहे हैं कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है, और ख़ासकर मुमरा जो महाडा के हॉस्पिटल है जिसको जितेंद्र अवार्ड साहब ने बनवाया है, थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देख रही है, ओम साई के अंडर में लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स वगैरह काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत दूर दूर से पेशेंट आ रहे हैं और उनको फ़ायदा मिल रहा है। तो उनकी हौसला अफजाई के लिए नेहा और भाभी हफीज़ा भाभी यहाँ आई है, ताकि आज अवार्ड साहब की इस खुशी के दिन इन्होंने पूरी जो हमारी टीम है उनको बेहतरीन किस्म की टिक्का बिरयानी बना के लेके आई है देने के लिए, खिलाने के लिए। हम खुद इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज के दिन, ऐसे भी हमारे पास रहता है लेकिन आज के दिन कम से कम अवार्ड साहब की खुशी के दिन जो है हमारे तमाम साथी जो है अवार्ड साहब के लिए उसके लिए खुशी मना रहे हैं कि उस दिन के लिए भाभी ने उनकी पूरी टीम ने यह समझा और हमसे मिलने के लिए आए यहाँ पर, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कोविड सेंटर में मौजूद हूँ और जैसे कि हमारे गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का जन्मदिन है आज, और उन्होंने ऑलरेडी ट्विटर पे ट्वीट किया है कि वो अपना जन्मदिन नहीं बनाएंगे कोरोना को देखते हुए, और प्लस जो कोकिन में हुआ है इतना बड़ा हादसा उसको देखते हुए उन्होंने अपने जन्मदिन को साफ मनाने से इनकार किया है। मुझे ऐसा लगा कि उनके जन्मदिन को बहुत सादगी से मनाया जाना चाहिए, वो भी हमारे कोविड सेंटर के जो डॉक्टर्स है, स्टाफ है, काम करने वाले जो इतने मेहनती लोग हैं जिन्होंने आज दिन भर में मुमरा में जहाँ जहाँ पर कैंप लगाया गया कोविड का, दिन भर ये मेहनत की है, दिन भर इन्होंने ना दिन सोचा ना रात सोचा, जिस तरह इन्होंने मेहनत की इनके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ। तो इनकी हौसला अफजाई अवार्ड साहब के बर्थडे पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये अवार्ड साहब की टीम है, आज ये टीम अवार्ड साहब की है, आज ये जो सेंटर है ये अवार्ड साहब के मुमरा को एक अवार्ड साहब की तरफ से तोहफा है। यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग अच्छे होकर जा रहे हैं ये अवार्ड साहब की वजह से, और ये बेशक अल्लाह की ज़ात है, ये ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन ज़रिया तो अवार्ड साहब कहीं ना कहीं है आज मुमरा को ये कोविड सेंटर देने में। यहाँ पर मौजूद सारे डॉक्टर्स, डॉक्टर शारमीन, डॉक्टर शाह, हाशिम हो गया, आसिफ भाई, शाहनवाज भाई, इनकी पूरी टीम जिस तरीके से मेहनत करती है इनके मेहनत को, और ये जो काम करने वाले पेशेंट्स का ख्याल रखते हैं, ये भी नहीं सोचते अगर हम हाथ लगाए तो हमें कोविड हो सकता है, इनकी भी फैमिली है, अपनी फैमिली की लाइफ को रिस्क में डालते हुए, अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हुए ये दूसरों की जान बचा रहे हैं। ऐसी हस्तियों को मैं सलाम करती हूँ, खासकर ये खवातीन
जिनके ऊपर अपने घरों की भी काफ़ी जिम्मेदारी होती है, अपने बच्चों की, अपने शौहर की, अपनी गृहस्थी के साथ साथ उनको काम करना है, तो ऐसे लोगों का मैं सलाम करती हूँ, सल्यूट करती हूँ। और दूसरी चीज़ ये, मैं डॉक्टर शाह की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन कैसा है डॉक्टर साहब, जिनके पास काम नहीं होता ना, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठ के टाइम पास करते, तो वो सिर्फ टाइम पास कर सकते हैं, ग्राउंड लेवल पे आकर वो लोगों के लिए खिदमत खल्क नहीं कर सकते, क्योंकि खिदमत खल्क जैसी चीज़ अल्लाह ने उनके अंदर दी ही नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने आवाम के लिए एक खिदमत की नहीं, वो शारमीन डॉक्टर हो गए, आप हो गए, एक्स वाई जेड लोगों के बारे में सिर्फ बुराई लिख सकते, तो ये सोचें आप तरक्की कर रहे हो, इसलिए लोग आपके ऊपर उंगली उठा रहे। दूसरी चीज़, मैं मेरे हाउसिंग मिनिस्टर हमारे गुरु निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आवार साहब को बर्थडे की शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी बर्थडे, अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, क्योंकि कहीं ना कहीं आज मुमरा आपके हाथ में सेफ है। मुमरा में कभी भी कोई भी हादसा होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आवार साहब ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, वो MLA प्लस हाउसिंग मिनिस्टर के हिसाब से मुमरा में अवेलेबल हो जाते हैं। शायद ही मैंने मुमरा में कभी इतनी अवेलेबिलिटी किसी ना कॉरपोरेटर की भी नहीं देखी होंगी, और ना ही किसी मिनिस्टर की देखी होंगी, ना ही किसी MLA की अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी में देखी होंगी। तो साहब आपको हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू विथ हेल्थ केवन प्रोस्पैरिटी, मे यू कीप फ्लाइंग इन द विद फ्लाइंग कलर्स। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आज हमने एक छोटा सा गैदरिंग रखा है ये डॉक्टर्स के साथ, क्योंकि इनकी मेहनत मैं वाकई में सोशल मीडिया पे देखती हूँ। आज भी दिन भर शमीम भाई के कैंप में डॉक्टर शाह उनकी पूरी टीम ने मिलकर जिस तरह मेहनत की है, आई हाईली सल्यूट यू पीपल। सुबह से खड़े रहना, इतने लोगों का चेकअप करना इजी नहीं है ना, अपनी ज़िंदगी की परवाह ना करते हुए इन्होंने दूसरों की ज़िंदगी की परवाह की, इस चीज़ का मैं आप लोगों को हौसला अफजाई करने के लिए इधर हूँ। बाकी मुझे और मेरी टीम को, मेरे वालदा को अपनी दुआओं में याद रखे। अल्लाह हाफिज़।